की धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। हेलो गाइस, बारिश बहुत तेज हो रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं साइकिल लेने, न्यू साइकिल, जो ये पीछे बैठे हैं हसन भाई। हाय भाई, हाय क्रो, हाय। ट्रिपलिंग कर रहे हैं, ट्रिपलिंग का चालान अगर कोई काटेगा तो नंबर प्लेट दे देंगे उनको। नंबर प्लेट दे देंगे, साइकिल में नंबर है। तो न्यू साइकिल लेने जा रहे हैं, जहाँ से ये साइकिल लिए थे वहीं पे। तो चलिए चलते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा हुआ एकदम है, सुहाना सा एकदम, बारिश हो रहा है मस्त, हल्की हल्की, अलग ही मजा आएगा इस मौसम में कॉलेज कैंपस का एंजॉय। मैं आसमान की वादियों में झूम रहा हूँ। तो गाइज, अगर आज बारिश होगी तो आज नहाने का प्लान है, फुल आज नहाएंगे भाई मस्त एकदम। तो गाइज, क्या सीन हुआ कि साइकिल तो पसंद नहीं आई, ठीक है, कार तो ठीक सकता पर साइकिल की कलर पसंद नहीं आई, उसको उतना ज़्यादा स्टॉक नहीं था, तो हम लोग रिटर्न आ गए हैं वापस। बाकी हम लोग अभी मौसम का आनंद ले रहे हैं मस्त, ज़्यादा आनंद ना लो, रूम पे चलते हैं, बहुत काम करना बाकी, देखने में तो अलग ही मज़ा आ रहा है भाई। तो गाइज, बरसात में तो अपना कैंपस और भी प्यारा लगने लगता है, ये देखिए मस्त एकदम, बरसात नहीं है बूंदाबांदी है। तो ये बरसात ही है यहाँ के हिसाब से कह सकते हैं, बरसात है। हेलो फ्रेंड्स, जूस पी लो। मेरी भी लिफ्ट आ गई। तो गाइस, रूम पे पहुंच गए हैं और बाहर मस्त बारिश हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। तो अब बनाते हैं मैगी, खाते हैं थोड़ा मैगी, बरसात में मैगी खाते हैं, देखते हैं मैगी या नूडल है, नूडल है तो नूडल बनाते हैं गाइस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज नेक्स्ट डे। तो आज आपको दिखाते हैं हॉस्टल में, हर एक फ्लोर पे है एक रीडिंग रूम और एक टीवी रूम, ठीक है। तो आज आपको थोड़ा सा बहुत छोटा सा हॉस्टल टूर कराते हैं। गाइज, ये है स्टडी रूम, हर एक फ्लोर पे है एक एक, ये देखिए टेबल लगा है पर चेयर नहीं है, कोई नहीं यूज करता स्टडी रूम का। देखिए इसमें लिखा है ना NITW रीडिंग रूम, सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं पर कोई यूज नहीं करता इसमें। इसका यूज क्या होता है, जब कोई फ्रेशर पार्टी होता है या कुछ तो लोग इसमें आके डांस के प्रैक्टिस करते हैं, हम लोगों ने भी किया था इसमें। तो यही है गाइज, हर एक फ्लोर पे स्टडी रूम मिलेगा, एक साइड स्टडी रूम है और जो दूसरा साइड है ए ब्लॉक, उधर मिलेगा आपको टीवी रूम। तो चलिए आपको अब टीवी रूम दिखाते हैं भाई। ये देखिए मैन चार लिफ्ट है इधर। ये अमित भाई कहाँ जा रहा? तो गाइज, ये है टीवी रूम, इसमें टीवी है पर चलता वलता कुछ नहीं है गाइज, बस टीवी ऐसे लगा हुआ है, इसमें भी वैसे लोग डांस प्रैक्टिस करते हैं बस, और कुछ नहीं है, हर एक फ्लोर पे आइए। तो गाइज, अभी आ गए हैं लैब में, क्या है कि आज करना था इसे सैंपल, 7 डेज का टेस्टिंग, आज है संडे तो 7 डे है आज के दिन, तो करना ही पड़ेगा ना। तो आज अपने साथ सुदेश को लाए हैं थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए। प्यार से गाइज चैनल सब्सक्राइब करिए गाइज, आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा डेली ब्लॉग बनाने का, ठीक है। तो अब ये सारे सैंपल्स हैं तो इसमें से एक निकाल के टेस्ट करना है, फटाफट करते हैं टेस्ट। तो गाइज, लैब में टेस्टिंग हो गई है, 3 सैंपल लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगे, अब कहाँ चल रहे हैं भाई। मौसम मस्त है भाई, कल से ही बारिश हो रहा है, परसों से बारिश हो रहा है, मस्त मौसम बना हुआ है, अभी खुद नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ चलते हैं, जहाँ चलेंगे आपको दिखा देंगे। गाइज, ये देखिए मस्त एकदम अच्छा लग रहा है, डिपार्टमेंट के अंदर ये गमले रखे गए हैं, फूल वूल लगे हुए, इसके पहले तो नहीं था, मैं 2 दिनों से देख रहा हूँ इसको रखा गया है, बाकी ये होना चाहिए। गाइज, गुड मॉर्निंग, दिस इज नेक्स्ट डे। तो आपको बता दें कि हम लोग के आ गए हैं रिव्यू प्रेजेंटेशन, तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा नहीं तो लग जाएंगे भाई तगड़े में, तो इसीलिए सोचा थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आज ये हमारे अमित भाई, ये लोग सब जा रहे हैं लाइब्रेरी, सोचा लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, रूम में तो बस सोना ही होता है, पढ़ाई नहीं हो नहीं पाती, तो कुछ तो पढ़ना पड़ेगा गाइज, नहीं तो फिर तगड़े में लग जाएंगे। चलते हैं लाइब्रेरी, आपको थोड़ा वो लाइब्रेरी दिखाएंगे। ये जो देख रहे हैं ना फूल माला लगा दरवाज़ा, ये नहीं ग्राउंड फ्लोर है, ये लाइब्रेरी 24 आवर खुला रहता है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 9 to 11 PM।
तो गाइस लाइब्रेरी के अंदर पहुंच गए हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सामने अमित और मिनी बैठे हैं, इस साइड सारे बुक लगे हुए हैं, आप कोई भी बुक निकाल के पढ़ सकते हैं, इसी भी करा सकते हैं, मस्त एकदम। गाइस अभी जस्ट बैठे थे पढ़ने, थोड़ा सा पढ़ा भाई, देखो बुला लिए, मतलब कॉल आया कि बुला लिए, लैब में आ जाएगा, कोई टेस्ट करना है XRD, चलिए चलते हैं XRD करने। गाइज वो है XRD मशीन, उसमें सैंपल रखा गया है और यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, ये देखिए ग्राफ बन रहा है XRD का, और इसके अंदर है सॉयल सैंपल, और ये हमारे आशीष भाई, और यहाँ पे हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं तब देते हैं XRD टेस्टिंग के लिए। ये दूसरा सैंपल प्रिपेयर हो गया है सॉयल, इसके बाद तीन और करने हैं, अभी आपको दिखाएंगे कैसे इसको बनाते हैं। तो गाइज मैं फर्स्ट टाइम XRD देख रहा हूँ कैसे करते हैं, और फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये हर एक चीज़ सीखना जरूरी है। तो आज है हिंदी दिवस, तो आप सभी को हैप्पी हिंदी दिवस हम सब की तरफ से। तो हमारे पास दो दो शायर है, एक है सुदेश कुमार, दूसरा है राजन, तो एक प्यारा सा कोई कविता एंड शायरी हो जाए भाई। चलो पहले कौन सुनाएगा? एक साथ सुनाएंगे, एक साथ, लेकिन दो होने चाहिए कभी। तो इधर शायरी सुनने के लिए सब लोग आ चुके हैं, इधर देखिए। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस में एक कुमार विश्वास की शायरी बोलते हैं, एक शायरी मैं बोलूँगा और एक मैं, असल में शायरी नहीं मुक्तक है, तो सुनिएगा ज़रा। बात कुछ ऐसी है कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है, जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है, जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, कि झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। वाह 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 भाई, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल बिक गया, घिस घिस रीता तन चंदन, इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात।